गुलबर्गा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से राधाकृष्ण डोडेमनी को इलेक्शन जिताने में एमके ग्रुप ने बड़ी भूमिका निभाई है। आपको बता दें, कर्नाटका से गुलबर्गा एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिस पर नरेंद्र मोदी की खास नजर टिकी हुई थी। गुलबर्गा कॉन्स्टिट्यूंसी AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का गढ़ माना जाता है और नरेंद्र मोदी ने इस बार के इलेक्शन में अपने कैंपेन की शुरुआत गुलबर्गा से की थी। क्योंकि इस बार खड़गे ने अपने दामाद को मैदान में उतारा था, इसलिए यह सीट जीतना गुलबर्गा कांग्रेस लीडर से लेकर AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे तक के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा था। इस इलेक्शन में प्रियांक खड़गे, शरण प्रकाश पाटिल और दीगर MLAs के अलावा खासकर कनिष फातिमा ने जमीनी सतह पर काम कर राधा कृष्णा की जीत में अहम रोल अदा किया है और साथ ही कांग्रेस पार्टी के तमाम कॉर्पोरेटर्स, माइनॉरिटी, मुस्लिम, दलित, OBC समाज के कार्यकर्ताओं ने इस इलेक्शन में काफी मेहनत की है। और इसके अलावा एक ऐसा ग्रुप है जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बेहद खास माना जाता है और हर बार की तरह इस बार भी इस ग्रुप ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली हिदायत पर काम कर राधा कृष्णा डोडेमनी को जिताने में बड़ी भूमिका निभाई है। सबसे पहला नाम शहर के बिजनेसमैन और कांग्रेस लीडर खलील मकसूद अली साहब का आता है, जिनको पूरा शहर खलील सेठ के नाम से जानता है। खलील सेठ ने न सिर्फ गुलबर्गा सिटी बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में MLAs और पार्टी कैडर को एक ऑर्गेनाइजिंग लेवल पर जोड़कर राधा कृष्णा जी के लिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में काफी मेहनत की है। और MK ग्रुप से बाबा नजर मोहम्मद खान, आरिफ अमेटी, अफान मकसूद अली, सैयद अकबर इरफान एंड टीम ने शहर के कई बड़े ग्रुप्स को जोड़कर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में ग्राउंड जीरो पर काम कर अहम रोल अदा किया है। और खासकर इस इलेक्शन में बाबा नजर मोहम्मद खान साहब को कुल जमात का सदर बनाया गया था, जिसमें सुन्नी, तबलीगी और LEDs तमाम जमात के उलमा इकराम ने मिलकर मौजूदा नाजुक हालात को देख पूरे डिस्ट्रिक्ट में मस्जिदों के जरिए आवाम में वोट की अहमियत समझाई गई और फासिस्ट ताकतों को इख्तदार से दूर रखने के लिए हर एक अफराद को घर से निकलकर वोट डालने के लिए गुजारिश की गई थी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाबा नजर मोहम्मद खान साहब तमाम कुल जमात के उलमा इकराम के साथ मिलकर पूरे डिस्ट्रिक्ट में राधा कृष्णा डोडेमनी जी के लिए आवाम में बेदारी लाने का काम करते नजर आ रहे हैं। यह एक बहुत ही अच्छा नज़ारा देखा गया है कि तमाम मुख्तलिफ जमात के जिम्मेदार अपने नजरियात को एक तरफ रख कर फासिस्ट ताकतों को इख्तदार से दूर रखने के लिए जमीनी सतह पर काम करते देखे गए हैं। और पोलिंग के दिन बाबा नजर मोहम्मद खान साहब के कैडर से कुल 7,000 लोगों की टीम ने आवाम को घर से निकालकर पोलिंग स्टेशन तक ले जाकर वोट डलवाने का काम करते देखे गए हैं। इन सभी की मेहनत से इस बार पूरी BJP की ताकत कट्टरपंथी, धर्म की राजनीति और दीगर साजिशें करने के बावजूद 27,205 की लीड से राधा कृष्ण डोडेमनी जी को जीत हासिल हुई है। और गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी से कुल 52,000 के करीब लीड हासिल हुई, जिसमें नॉर्थ MLA कनिष फातिमा, कॉर्पोरेटर्स, माइनॉरिटी विंग और दीगर सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया है। और आवाम भी इस बार फासिस्ट ताकतों को इख्तदार से दूर रखने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करते नजर आई है। इस बार गुलबर्गा से राधा कृष्ण डोडेमनी की जीत सीधे नरेंद्र मोदी की हार साबित हुई है। This video presented by Al Sharia PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharia PU College for Girl at Muslim Chowk, Mijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharia BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharia Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open. Contact for details.